आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुकरमा चौक और आसपास के इलाकों में फ्लाईओवरों का जाल होने के बावजूद भी लगता है हर रोज लंबा जाम। सुबह और शाम के वक्त घंटों लोग जाम में फंसकर होते हैं परेशान। कई किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी नहीं दूरी हुई जाम की समस्या। कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसकर लोगों को हर रोज आने जाने में होती है खासी दिक्कतें। शुक्रवार शाम से मुकरमा चौक और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। देश की राजधानी दिल्ली में जाम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। सुबह और शाम के वक्त लगने वाला जाम लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। खास तौर पर अगर मुकरमा चौक फ्लाईओवर के आसपास की बात की जाए तो फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के रोड पर लंबा जाम लगता है और कई किलोमीटर लंबे जाम में लोगों को लगभग हर रोज फंसे रहना पड़ता है। शुक्रवार शाम के वक्त भी मुकरमा चौक फ्लाईओवर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिसमें अपने घरों को जाने वाले लोग फंसे रहे। सुबह के वक्त जो लोग घर से निकलकर अपने काम पर जाते हैं उन्हें इस जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है और वह घंटों जाम में फंसे रहते हैं। और शाम के वक्त जब पूरे दिन के काम की थकान से लोग अपने घर पहुंचने वाले होते हैं तभी यहां लंबा जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार तो लोग एक एक घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं और उन्हें घर पहुंचने में काफी देर हो जाती है। जाम लगने के कारण की अगर बात की जाए तो तीन मुख्य कारण माने जा रहे हैं। पहला कि मुकरमा चौक और आसपास के इलाकों में पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कई जगहों पर चेकिंग करती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो जाता है और जाम की स्थिति बनती है। सुबह और शाम के वक्त दफ्तर आने जाने का समय होता है, जिसकी वजह से यातायात भारी संख्या में निकलता है और सबसे ज्यादा व्यस्त चौक होने की वजह से भी यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। यही तीन कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ हर रोज जाम लग जाता है और लोग परेशान होते हैं। मुकरमा चौक इलाके को पूरी तरीके से फ्लाईओवर के जाल में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ कई फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन फ्लाईओवर तो बनकर तैयार हो गए। लोगों ने इन फ्लाईओवरों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, लेकिन जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा नहीं मिला। पब्लिक लगातार मांग कर रही कि यहाँ हर कुछ दूरी पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके और जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा भी मिल सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। विश्वनाथ यादव जी, ये ट्रैफिक जाम लगने के क्या वजह है? जाम ये है जी सर, पुलिस का जो है कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लिया अगर जहाँ पर खाली रोड है वहाँ ट्रैफिक पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो अपना एंट्री वसूलने के चक्कर में रह जाते हैं, बाइक वाले को, कार वाले को, बस वाले को, जो भी है क्या। और जहाँ पर मतलब पब्लिक पॉपुलेशन है वहाँ पर जो है ना इनका कोई दिखाई नहीं देते हैं। जहाँ चल मतलब भीड़ भाड़ ख़त्म करते हुआ पब्लिक निकाले, गाड़ी घोड़ा की निकाले, ये सब चीज़ नहीं है क्या। ये बाईपास रोड है, बॉर्डर से आने वाला रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है जी, क्या कहना चाहते हैं? लंबा जाम लगा जाओ। अच्छा, एक चीज़ और होता है ना, जैसे कुछ थोड़ा कंट्रोल भी कहते हैं DTC वाले जो ड्राइवर है ना बस का, उनको ऊपर भी कंट्रोल किया है, थोड़ा लगाया तो साइड में लगाया, वो जहाँ मर्जी वहाँ लगा देता है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जाम से कितनी परेशानी? जाम में परेशानी है जाकर कोई आखिर एम्बुलेंस में है उनकी दम टूट जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। कैसे जाम में बहुत ऐसे समस्या आ रही है, लोगों के आने जाने की तकलीफ हो रही है। कहते रहा हूँ आखिर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, एम्बुलेंस है, अगर रास्ता खाली नहीं है तो इंसान एम्बुलेंस में मरेगा ना, वो तो पहुँच नहीं पाएगा हॉस्पिटल। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार के ये कहना चाहता है अपने प्रशासन के टाइट करें, सरकार में गलती नहीं प्रशासन की गलती है क्या। जो भी पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इनको रहता है अपना कमाने से मतलब रखता है, जो एंट्री किधर मिले सैलरी, अगर सैलरी 20,000 है तो इनको अलग की कमाई लाखों रुपया है क्या। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अतरचंद कलोरिया। कलोरिया साहब, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं लिबासपुर की तरफ से आ रहा था, रास्ते में बहुत तगड़ा जाम था, बहुत ज़्यादा आरस मतलब बसें बहुत जाम होने के क्या कारण है सर, कुछ पता चला? या तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी होगी, मुझे तो एक ही कारण दिखाई दे रहा है, बाकी तो कारण होना नहीं चाहिए कोई भी जाम का। आप जाम लगने से कितनी परेशानी हो आपको उठाना? परेशानी बहुत ज़्यादा है, अब तो मैं कभी का घर पहुंच गया होता, लेकिन मैं कम से कम भी जो है आधे घंटे से भी ज़्यादा जाम में फंसा रहा है। और जो लोग से वो बता रहे थे कि भाई वो 1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं उसी बस में,
क्या जगह जगह दिल्ली पुलिस चेकिंग लगा रखा है इसकी वजह से? नहीं नहीं, मैं तो लिबासपुर से देखा तो वहाँ तो मुझे बैरिकेडिंग नज़र नहीं आई, लेकिन मेरा पहले का अनुभव ये बताता है कि भाई जहाँ जब बैरिकेडिंग लग जाती है तब जो है गाड़ियों में जाम ही लगता है, नज़र नहीं आता मुझे जाम लगने का। क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन की जिम्मेवारी है लोगों को जो है ठीक ढंग से मुहैया कराया जाए रास्ता, पुलिस की ड्यूटी ठीक लगाई जाए ताकि जाम से निजात दिला सकें लोगों को, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।